इंटेंशन नहीं पहचान रहा है या उसमें योग्यता नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो है कॉम्पिटेंस के लेवल पर है। अगर मैं ये पहचान जाता हूं कि ये कॉम्पिटेंस की बात है, तो फिर मैं उसके ऐसे कार्य करूंगा जिससे कि वो कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाए। क्यों डेवलप हो जाए? क्योंकि वो मेरे हित में ही काम करने वाला। क्यों? क्योंकि उसकी मूल चाहना वही, ठीक है। तो मैं विरोध में नहीं जाता हूं, मैं इसके लिए काम करता हूं, ठीक है। जहां करने की योग्यता विकसित करने की जरूरत है उसके लिए काम करता है, या जहां पर दूसरा व्यक्ति अपनी चाहना नहीं पहचान रहा है उसके लिए काम करता है, ठीक है। लेकिन कैसे संभव है कि जो अपनी चाहना नहीं पहचान रहा है वो पहचान ले? क्यों वो क्यों नहीं पहचान रहा है? वो किसी मान्यता अवश्य काम कर। जब हम लोग इतनी देर से अपनी चाहना नहीं पहचान पा रहे तो मान्यताओं को खोल खोल के देखा, जो अपनी नहीं कर पा रहे तो हम दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले पाए? वो सही बात है, हम उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जितना कर पाए, ठीक है। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते इसका ये अर्थ तो नहीं कैसे करेंगे, ठीक है। वो भी भावना हो गया। तो जहाँ हमें लगता है दूसरा कोई व्यक्ति अगर कोई जिम्मेदारी ले सकता है वो सारी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो उसके लिए जिम्मेदारी ले सकता है और उसके योग्य है, इस काम के योग्य है, ठीक है। जब हम खुद योग्य नहीं है तो दूसरे को भी। तो अगर ये करेंगे तो हम सुख से, ठीक है, स्वीकृति के भाव में। हमारा दुश्मन है उसके प्रति भी स्वीकृति का भाव। क्यों है? वो दुश्मन मान रहा है, हम नहीं मान रहे। वो अपनी चाहना नहीं पहचान रहा, ठीक है। बेसिक सर चाहने में कंफ्यूजन है। समझ में कमी सर। वो रिसेंट अपने एलुमनाई मीट पे घटना हुई स्टेज पे सर, जीडी सिंह ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया को हम लोग फेलिसिटेट कर रहे थे, इंस्टीट्यूट फेलिसिटेट कर रहा है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको लगा कि वो सरकते वहाँ गए जहाँ एक मिनिस्टर बैठे थे कि उनके फ्रेम में मिनिस्टर साहब का फोटो आ जाए, तो वो सम्मान उनको शायद उस सम्मान से बड़ा रहा लगा हो। कुछ कन्फ्यूजन है चाहने में? वो अलग भी हो सकते हैं। वो अलग भी खिंचाया जाता था जो कि बाद में हुआ। आप समझ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे मैंने देखा पीछे वाइस चांसलर और डायरेक्टर ठीक उनके साइडों में पीछे। छोटा इशू दूसरा है,
छोड़ गए यहां पे तो इसमें निरीक्षण हम नहीं शिक्षा दे पाए एग्जैक्ट यही से तो पढ़ के गए अगर ये लगता है इसमें कुछ कमी है तो हमारी शिक्षा हम ठीक कर इसका मतलब हर बार अपने आप को गलत मान रहे नहीं नहीं गलत नहीं मतलब एक हो रहा है उस सम्मान से बड़ा उस सम्मान से जो ठीक नहीं हो रहा है उसमें मेरी क्या भूमिका है ये देखना उसको ठीक करने में मेरी क्या भूमिका ये देखना अभी से ठीक करना शुरू कर देगा बस वो लॉन्ग टर्म काम अभी करें शॉर्ट टर्म सर कभी कभी अपना चाहना दूसरे के चाहने से भी जुड़ा होता है जो हम चाहते हैं हो सकता है कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल है पति पत्नी का एक रिश्ते जो कि हमेशा साथ ही रहते हैं तो आप जो चाहते हैं करना जरूरी नहीं है कि उसमें आपको सपोर्ट मिले और जब आप चाहते हैं दोनों में से अगर किसी एक का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा तो शायद वो चीज हो नहीं पाती है होती है तो जबरदस्ती होती है तो जो भावों को पहचाना जा सकता है भावों को निर्वाह किया जा सकता है जब भाव मतलब तो संबंध को अगर जुड़े संबंधों का निर्वाह किया जा सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम संबंधों को निर्वाह करना चाहते हैं लेकिन शायद मतलब दो लोगों में से किसी एक का सपोर्ट ना मिलने से उस संबंधों को निर्वाह नहीं कर पाते दूसरे के प्रति तो उस केस में क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटी है प्रैक्टिकल सिचुएशन देखिए तो आप आइसोलेटेड नहीं है आप जुड़े हैं किसी न किसी से और खास करके अगर पति पत्नी केस तो अपनी पत्नी से या पत्नी पति से जुड़ी हुई है तो उस केस में इस चीज को कैसे निर्वाह किया जाए क्योंकि हमारा संबंध सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पत्नी के साथ निर्वाह करें या पत्नी का संबंध ऐसा नहीं कि सिर्फ पति के साथ निर्वाह करें मुझे अपने इसमें चीज याद आ रही है हमारे मौसा जी वो बीएच हुए प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर उनके भाई का देहांत हो गया और उनके पांच बच्चे चार लड़कियां हैं और सबसे छोटा बच्चा 8 साल का होगा बड़ी लड़की 18 साल की ठीक अब क्या किया था? तो उन्होंने अपनी पत्नी मतलब मेरी मौसी से कहा कि देखो यहाँ उनको हम अपने साथ रख सकते हैं लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है ठीक है अगर तुम्हें लगता है किया जाए तभी करेंगे वरना नहीं और वो इसके लिए तैयार थे कि मौसी कह देती कि भाई नहीं कि अब 6 लोग नए घर में आ जाएंगे तो तब लेकिन उन्होंने उनको वो फ्रीडम जो होती है चॉइस कि वो दी कि आप बताओ कि ये ठीक है ये करना है या नहीं करना है और ये भी मान लो कि मैं इसको अपनी आपकी जिम्मेदारी नहीं और अगर वो मना करती तो उन्होंने और भी सोचा होगा कि उनको फिर दूसरे घर में रखेंगे जो भी इंतजाम करना है और तरीके ढूंढे जाएंगे मौसी ने कहा नहीं कि हमारे साथ है तो घर में वो 3 लोग थे 6 लोग आए तो उसको वो जो निर्वाह करना है लंबा अगले 20 साल ठीक है तो वो तो तभी होगा जब दोनों की भागीदारी होगी और दोनों की स्वीकृति होगी सहमति भी काफी नहीं स्वीकृति है ठीक है तो अगर उस तरीके से चलेंगे तो आप बिल्कुल ठोस धरातल पे चलेंगे या दबाव पूर्वक ये काम करेंगे वहां नहीं हो पाए तो ये दूसरे में अपने अंदर से निकल के आ जाए तो इसके लिए क्या करना है इसके लिए यहां जोड़ना है अगर यहाँ जोड़ते हैं तो आदमी फिर जो अपनी नॉर्मल जिम्मेदारी है उससे कहीं हटके और उससे उठकर बड़ा बड़ी चीजें भी कर सकते तो साथ लेके चल रहा है और उसमें समय लग सकता है समय के लिए उसमें क्या करना है उस जो समय लगे वो काम जिस तरीके से सोचा ना कर पाएंगे वैसे नहीं हो पा रहा है और दूसरा तरीका देखना होगा लेकिन साथ में ये जो काम है कि दूसरा मेरा साथी है ठीक है और पति पत्नी में तो ये है ही तो दूसरा मेरा साथी है और इसको साथ लेके चलना है और मैं उसके साथ चलूंगा वो मेरे साथ चलूंगा इसके लिए जो तैयारी करते हैं ये लॉन्ग टर्म वाला काम है हर जगह लॉन्ग टर्म वाला काम छोड़ दे
शॉर्ट टर्म काम लेते हैं ये तुरंत होता है। कपल्ड है और वो फिर रास्ता सहज है। विश्वास तो अब मेरा किसके प्रति विश्वास है? सबके प्रति, जो भी मेरे संपर्क में आते हैं सबके प्रति विश्वास, जो संपर्क में नहीं आते उनके प्रति तो मैं आराम में हूँ। बड़ी जिम्मेदारी लेने की बात है तो हो सकता है वो मना करें और वो मना कर सकें और इस ये भी उनको आश्वस्त किया कि आप मना कर सकते हैं। ये मत मानिए कि मैं हाँ ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है। नहीं प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं। सम्मान की बात इस पर भी बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत समय में नहीं लगा हुआ। और सम्मान इसका जो शब्द के रूप में अगर देखें तो इसका जो खेल है सम्यक मान मतलब ठीक ठीक मान मतलब मापना मूल्यांकन करना ठीक ठीक मूल्यांकन करना जिस कंडीशन पर उसे हाँ। तो ये चूंकि प्रयास इसमें यह है कि हम रियलिटी को एज इट इज ना कम हो जा रहा तो इसी प्रकार जो संबंध भी है संबंध में जो अलग अलग भाव है उनको पहचाने और ठीक ठीक उनका आकलन करें। तो इसमें जो मूल्यांकन का आधार है जो सम्मान इसके आधार पर बनता है कि दूसरा मेरे जैसा है के रूप में कार्यक्रम के रूप में क्षमता के रूप में जैसे मैं निरंतर सुखी और समृद्ध होना चाहता हूँ
दूसरा भी होता है। तो कार्यक्रम वो भी एक कार्यक्रम बनाना है, मैं भी कार्यक्रम बनाना, लक्ष्य एक ही, ठीक है। क्षमता, जैसे मैं इच्छा विचार आशा संपन्न हूं, वैसे ही दूसरा भी, ठीक है। तो योग्यता विकसित हो सकती है, योग्यता अलग अलग हो सकती है, इच्छा विचार आशा। जैसे मैं विचार संपन्न हूं, दूसरा भी विचार संपन्न है, क्षमता के रूप से, योग्यता अलग। आत्मा एक ही, ठीक है, आत्मा दोनों में एक ही, बुद्धि के स्तर पर अंतर हो सकता है और इच्छा विचार आशा में प्रिंसिपल अंतर, ठीक है। पर क्षमता है, क्षमता जो है ये मुख्य बात है। फिर तो योग्यता और क्षमता में कुछ बेसिक बहुत डिफरेंस ज्यादा है। क्षमता से अर्थ ये है कि जो शक्ति है वो दोनों में विद्यमान है, उस शक्ति को कितना प्राप्त कर लिया है दूसरा जो है योग्यता में अंतर हो सकता है, क्या मतलब, समझदारी में अंतर हो सकता है। दूसरा मुझसे ज्यादा समझदार हो सकता है या दूसरा मुझसे कम समझदार हो सकता है। तो अगर दूसरा मुझसे ज्यादा समझदार है तो मैं समझने में तत्पर रहता हूं, मुझसे कम समझदार है तो मैं समझाने को तैयार। तो ये 4B वाला काम जो है मूल्यांकन तो हम करते हैं, क्योंकि यहाँ परीक्षण की बात कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरे का भी मूल्यांकन हो रहा है और मूल्यांकन तो हम कर ही रहे हैं। तो हम
अगर ये पाते हैं कि दूसरा कम समझदार है तो उसको राइट ऑफ कर दे, तो बेकार है। ठीक है, कभी क्या है वो अपनी खुद की चाहना को नहीं पहचान पाया है, खुद की चाहना को नहीं समझ पाया है, तो इसीलिए तो उल्टा पुल्टा कर। लेकिन इवैल्यूएशन में भी कभी कभी ज्यादा कंफ्यूज होता है, दूसरे को अपनी ज्यादा समझदार मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। पहली बात तो हम पहले पहले मानेंगे अगला तो सबसे बुद्धिमान मानेंगे। पहली गलती से ही हो जाती है सर, पहले जो है यही हो रही है कि इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो गलत इवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, ये सम्मान इसके अन्यथा कुछ कर रहे हैं तो सम्मान सम्मान का भाव। तो उसमें अगर किसी और आधार पर किसी को जांच रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये तीन पहली चीज तीन तो ठीक है, वो भी सुख चाहता है, समृद्धि चाहता है, उसके लिए वो भी कार्यक्रम बना रहा है, हम भी बना रहे हैं, उसमें भी क्षमता है, इच्छा विचार आशा उसमें भी है, बुद्धि उसमें भी है, आत्मा तो है ही, योग्यता में भी अंतर हो सकता है। तो उस हालत में हम क्या करें? तो सम्मान का यह अर्थ भी नहीं है कि ये आकलन हम ना करें। सम्मान का कई बार यह अर्थ लेते हैं कि दूसरा तो बड़ा आदमी है उसका आकलन नहीं करते, जबकि ऐसा होता नहीं है, आकलन तो आदमी करता ही है। ठीक है, पर आकलन करना ठीक नहीं है, मूल्यांकन करना ठीक नहीं है, ये मानते हुए इसका मूल्यांकन नहीं करते, लेकिन मूल्यांकन तो अंदर तो होता ही है, इसको रोक नहीं सकते। तो फिर क्या होने लगता है, इसके अलावा दूसरी चीजों के आधार पर मूल्यांकन करने लगता है। देखो वो कैसे हंसता है, देखो वो कैसे बात करता है, देखो वो इस प्रकार की चीजें करता है। तो जब उस आधार पे दूसरे आधार पे हम मूल्यांकन करते हैं तो वो तो सम्मान है नहीं, तो कुछ और ही चीज है। ठीक है, तो इसमें जो दूसरे आधार जिनके जिनको देखते हुए हम करते हैं कल उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई, तो रूप क्या था है। जैसे समझदार व्यक्ति बहुत योग्य भी है पर अनुभव में बहुत से में कमी माना गया है, हम देखते हैं बहुत प्रैक्टिस में है, योग्य है, सब कुछ उसके पास है, अनुभव में कमी है, पर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कोई योग्यता नहीं है, मतलब जिस वे में हम सोचते हैं आज योग्यता की जो डिफिनेशन है, पर उनके आचार व्यवहार और विचार में अनुभव के आधार पर वो बड़ा ही अपने आप को एक प्रासंगिक जो होता है वो करता है। ऐसे उसका कॉन्ट्रडिक्शन है कि हम कैसे उसको समझदार कहें या हम उसको कम, या जो व्यक्ति जो आपने दो पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंस दिए हैं अगर समझदार है तो हमें उन्हें मैं समझना चाहिए, तो कैसे इन चीज़ों को हम कैसे वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो अच्छा है जो आइडिया समझाऊँ आप कह रहे हैं जो तो योग्यता की जो बात कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति पे बहुत सारा अनुभव है जीवन का,
जिंदगी का बहुत सारे अनुभव है, ठीक है। हो सकता है कोई एक मान्यता के कारण हो, अगर अनुभव भी है समझ भी है तो फिर बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। एक व्यक्ति में अनुभव बहुत सारे हैं लेकिन मान्यता भी है जिसके कारण उसका इंटरप्रिटेशन कुछ गलत है, ठीक है। तो उस हालत में ये हम इसको स्वीकारें कि वो व्यक्ति जो है बहुत अनुभव संपन्न है, बहुत सारी जानकारी और बारीकियां जानता है, ठीक है, उतना हम नहीं जानते तो योग्यता में हमसे आगे, ठीक है, उनके अनुभव के आधार। हाँ, लेकिन हो सकता है इसका ये मतलब नहीं कि वो सब चीज में आगे, कुछ और चीज जो हमको पता है वो उसे पता नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो अनुभव है उससे सीखेंगे, और जहां हमें लगता है वो मान्यता के वश सब चीजों को इंटरप्रेट कर रहा है और मान्यता में गलती है वहां पे हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं निकलता है कि हम हर चीज में हम ज्यादा समझदार हैं इसलिए हम सब बताएंगे, या हर चीज में दूसरा ज्यादा समझदार है इसलिए। तो जहां पर वो उसकी समझदारी हमसे आगे है वहां हम सीखेंगे, जहां हमें लगता है हमारी आगे है वहां उसको सहायता करेंगे। तो हम दोनों ही श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहे हैं, दोनों आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा प्रतिद्वंदी नहीं बचता है, सहयोगी या साथी बन जाता है। पर आकलन हम करते कैसे, है ना, उसकी बात। सर अभी जो आपने बोला वो फिर से अभी जो लास्ट पॉइंट है कि उसकी प्रतिद्वंदी से सहयोगी, प्रतिद्वंदी के बदले साथी के सहयोगी, जहां हम बता रहे हैं वो हम साथी हैं, जहां वो हमको बता रहा है वहां से पूरकता वाली बात, ये पूरकता वाली। तो आकलन का आधार क्या है, तो रूप अधिकांश तक तो रूप ही करते हैं, रूप में जो शरीरगत है आकृति आयु कुछ भी आ सकता, जिसके लंबे बाल हैं, जिसके छोटे बाल हैं, जो कद में लंबा है, जो शरीर से मोटा है, कुछ भी, ये सब मूल्यांकन के आधार सम्मान। बल ये शारीरिक बल से, रूप और बल जो है वो व्यक्तिगत है, पद और धन सामाजिक। कई बार सोचने लगते हैं कि पद और धन भी हमारे व्यक्तिगत है, धन के लिए तो सोचने लगे आज के लिए व्यक्तिगत, धन भी सामाजिक। तो पद के आधार पर सम्मान, धन के आधार पर सम्मान, मूल्यांकन, तो यहाँ पर मिलते ये सम्मान का आधार है। अच्छे सम्मान का आधार क्या है, समझदार। इसी प्रकार मान्यता वश, मान्यता दर दूसरा व्यक्ति क्या मानता है, अरे मैं भी वही मानता हूँ, तो उसका सम्मान है। बात
ये सम्मान ही नहीं, इसके आधार पे अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं दूसरे का, वो सम्मान नहीं। जहाँ हमें लग रहा है कि नहीं हम बहुत तारीफ कर रहे हैं दूसरे, वो सम्मान नहीं। धन पे सर क्या जवाब दिया जाएगा? लड़का कहता है धन तो मैंने कमाया, वो समाज का कैसा कैसे? अच्छा, वो प्रश्न है। धन इसलिए सामाजिक है क्योंकि आप सामाजिक व्यवस्था में ही धन कमा पाते। तो एक तो प्रतीक मुद्रा, लेकिन उसके आगे भी जाए वस्तु का भी जो काम है ये अधिकांश, और आजकल तो बिल्कुल वही है, पूरा जो है आप एक व्यवस्था के अंतर्गत ही उसका अर्चन कर सकते, धन कमा सकते। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसमें तो छोटे छोटे पार्ट्स आप इतना सा काम कर रहे हैं उसके लिए आपको मिल रहा है, वही आप धन जो अर्जन कर रहे हैं वो इस व्यवस्था के अंतर्गत है। ठीक है, तो बाकी जो इसको छोड़ देते हैं आप समाज पे आते हैं कुछ प्रश्नों को। वाद मतलब कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट उसके आधार पे अगर कर रहे हैं इज़म्स आप सर जातिवाद कहना नहीं चाहते हैं बट यू आर नॉट अटरिंग समाज में व्यवस्था। हार्मनी का क्या मतलब है? व्यवस्था, हर स्तर पर व्यवस्था। शुरुआत कहाँ से? जीवन में व्यवस्था, अपने अंदर व्यवस्था, फिर जीवन और शरीर इसके बीच व्यवस्था, फिर परिवार में व्यवस्था। परिवार में व्यवस्था किस पर? मूल्यांकन, मूल्यों के आधार। इसके बाद समाज में व्यवस्था, फिर प्रकृति में व्यवस्था। तो हर स्तर पर व्यवस्था और इनका आपस में अंतर संबंध समझना, ठीक है? ये सारे व्यवस्थाएं हैं और इनका आपस में संबंध है, और मेरी क्या भूमिका है हर व्यवस्था में ये समझना, ठीक है? तो समाज में व्यवस्था, तो समाज में जो लक्ष्य है, मानव लक्ष्य, तरह से मानव जाति का लक्ष्य है, प्रत्येक मनुष्य में समाधान है।
उससे परिवार में समृद्धि। छोड़ सकते हैं चारों में से, नहीं कुछ छूट गया है जो कवर नहीं हुआ, तो इसमें सारा शामिल है, इससे कम में नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, इससे कम में काम चल रहा है, ठीक है। तो ये लक्ष्य प्रत्येक मनुष्य में समाधान है। तो हम समाज में जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो वो व्यवस्था कैसी है जिसमें ये चारों चीज जो है हो जाए, चारों चीजें विद्यमान हो और उनकी निरंतरता हो, उनकी परंपरा बन जाए। तो समाज में जब हम बात करते हैं तो एक चीज की और बात करते हैं, परंपरा की बात। परंपरा मतलब कंटिन्यूटी, निरंतरता तो एक व्यक्ति के रूप में थी, जब हम समाज के रूप में कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो उसको परंपरा है। तो नई जनरेशन जो आती है, नई पीढ़ी आती है, नए लोग आते हैं, वो भी इसमें ढल जाते हैं, वो भी इसको प्राप्त करते हैं, समाधानित होते हैं, परिवार में समृद्धि महसूस करते हैं, स्वयं में समृद्धि महसूस करते हैं, परिवार में रहते हुए समाज में अभय और प्रकृति में स्वास्थ्य। तो ये चीज जो है, लेकिन सर परंपरा सबको आजकल तो रूढ़िवाद से जोड़ देते हैं। और फिर सर ये भी देखें कि जो मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है वो तो काफ़ी समाज टूट रहा है, एक जगह से जॉब के लिए कहीं यहाँ जा रहे हैं या विकास हो रहा है तो जो ट्राइबल्स एरिया है वो भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कल्चर जो हमारे परंपरा को जुड़े रखता है वो कल्चर खत्म हो रहा है और परंपरा समाप्त, कल्चर क्यों खत्म, क्योंकि वो हम उन चीज़ों को हट रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, जो हमारा एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी है उस ऑर्गेनाइज में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, वो टूट रहा है, क्योंकि उसके जीने के लिए एक अच्छे नौकरी भी चाहिए, अच्छे एजुकेशन चाहिए, अच्छे हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, और यहाँ एक तरफ हमारे कल्चर भी है, एक सोसाइटी भी है, इन दोनों में तो कॉन्ट्राडिक्शन, अगर हम अच्छे एजुकेशन लेंगे जॉब लेंगे तो हमें वो सोसाइटी बनाना पड़ेगा जो परंपरा टूटेगा, और अगर उनको लेंगे तो वहाँ परंपरा हमारे फिर नहीं बनेगी, ये दोनों यही काम। अच्छे जीवन के लिए बेंगलोर जाना है, अच्छा पैकेज चाहिए सोसाइटी में भी सर, अगर टूटने से, जैसे यहाँ के लोग पहले मालदीव और वहाँ गए फिजी वगैरह में मजदूर बन के गए लेकिन अपनी परंपरा को आज भी बनाए हुए हैं, उस परंपरा की बात नहीं कर रहे, उसी परंपरा मतलब ये चारों चीज प्राप्त हो जाए और ये फिर कंटिन्यूस रहे, बाद में भी नई पीढ़ी आएगी वो भी समाधान हो, कल्चर की बात, ठीक है। तो हम परंपरा उस साथ ही, तो कल्चर का जो रोल है वो यही तो है, ठीक है। तो कल्चर जो है उसको, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसका मूल्यांकन जो है इसके आधार पे होगा, समझ के आधार पे होगा, समाधान के आधार पे, मतलब अगर कल्चर में अगर परंपरा चारों पे खरी उतरती है तब रूढ़िवाद नहीं है, तभी वो चल पाएगा और ना वो चल नहीं पाएगा, तो जो चलती हुई आ रही थी इसका मतलब लगभग उस करेक्टर में थोड़ी बहुत हो सकता है कमियां हो समय के कारण, तो उसको हमें उसके प्रति तो ओपन है कि अगर हमारे कल्चर में कुछ कमी है उसको हम, ठीक है, कई बार कमी नहीं होती है लेकिन नई चीज जो आ रही है उसके अनुरूप नहीं, हाँ।
बस यही मैंने कई बार ऐसा भी होता है कल्चर में बहुत सी चीजें होती हैं जो एक समझ के बाद उपज में आके और उसको कार्यशील होती है कालांतर में वो समझ और हम में फर्क आ जाता है और नई समझ आ जाती है लोग मूल भावना से परे होती है और इसलिए फिर वो रूढ़ीवादी या ऐसी लगने लगती है तो जरूरी यह है कि पुरानी समझ को फिर से अन्वेषण करके फिर से ढूंढा जाए और फिर उसको आत्मसात किया जाए तो वो लिविंग कल्चर होगा हाँ, तो समझ क्या हुई समझ आधार हुआ संस्कृति का आधार जो है वो समझ वही वैलिडेशन और संस्कृति में अगर कुछ विसंगतियां आ गई तो उसका जो मूल्यांकन है वो भी हम समझ के आधार पे करें कोई चीज जो अब प्रासंगिक नहीं रह गई है और लगता है ये बाधा बन रही है सहजता में सुलभता में उसको ड्रॉप कर सकते उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन जो संस्कृति है जो प्रैक्टिसेस हैं उनके पीछे जो सोच है उसको देखना होगा उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं सर ये लग रहा है कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है हो सकता है कि लोकल लोगों के लिए सुटेबल हो लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था हर जगह बदलती रहती है रीजन टू रीजन लगता है दूसरे रीजन में और डेवलप हो तो वो थोड़ा उसमें मिसिंग लग रहा है हाँ तो अभी हमने क्या है मूल एलिमेंट्स लिखे तो जिसको संस्कृति कहेंगे संस्कृति सभ्यता तो संस्कृति जो है वो अलग अलग जगह अलग हो सकती है कोई दो राय जो डेवलपमेंट भी है वो भी ये चेंज करता है रीजन टू रीजन डेवलपमेंट से क्या होता जो मान लीजिए कि से जो इंडिया है यूएस है दोनों में काफी एडवांसमेंट है साइंस टेक्नोलॉजी का है मेडिकल फैसिलिटी है इस तरह का एडवांसमेंट मैं उसको इस तरह से नहीं देख रहा हूं अगर आपके यहां पर पानी उपलब्ध है ठीक है नदियां हैं तो आप बिजली किससे बनाएंगे नदी के पानी से बनाएंगे आपके यहाँ हवा चलती है पवन चक्की लगाएंगे ठीक है या आपके यहाँ सौर ऊर्जा का स्रोत है आप उसको लगाएंगे अब उसमें ये आर्गुमेंट नहीं हो सकता कि नहीं नहीं तो हम तो सोलर एनर्जी लगाएंगे बाकी कुछ नहीं लगाएंगे आप उसके भौगोलिक और अन्य चीज़ों को देखते हुए आप काम करें उसके हिसाब से फिर आप अब ये कैसे भाव चला जाए उसके लिए आप संस्कृति उसमें आप गीत चित्रकारी मूर्ति मूर्तिकला ये सब चीज़ों में आप ध्यान दें अपने जो त्यौहार है उसको मनाते हैं ठीक है तो हो सकता है एक जगह आप सूरज की ओर ध्यान दे रहे हैं दूसरी ओर पानी की ओर ध्यान दे रहे वो अलग अलग होगा तो उसमें भौगोलिक परिस्थिति और अन्य चीज़ों को देखते हैं और इतिहास को देखते कई बार होता है कि जिस जगह पर पहुँच गए हैं उसके कंटिन्यूटी उसके आगे चल रही है कोई प्रैक्टिस अगर आई ही है उसको सब लोग उसको मान रहे हैं उस पर त्यौहार मना रहे हैं तो उसको अभी मना तो उसको देखते हुए जो संस्कृति है वो भिन्न होती है भौगोलिक और हिस्टोरिकल जो बने ऐतिहासिक चीज़ें जो आई हुई है उसके आधार पे संस्कृति अलग हो सकती है लेकिन संस्कृति मानवीयता के विरोध विरोध ये नहीं हो सकती अगर ऐसा है तो उस संस्कृति को ड्रॉप ठीक है संस्कृति का टेस्ट क्या है संस्कृति का टेस्ट है मानवीयता उसका टेस्ट ठीक है बाकी चीजें फिर व्यवहारिक हो सकती है संस्कृति में ऐसी चीजें हैं जो व्यवहारिक जो प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं ठीक है वो दूसरे टेस्ट हो सकते हैं तो संस्कृति के आधार पर तो समझ और संस्कृति इससे फिर सभ्यता का जन्म होगा संस्कृति हमारे सोच में है ठीक है विचारों में प्रैक्टिसेस में उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सभ्यता ठीक है सभ्यता निकलती है हाँ जैसे संस्कृति में मानवीयता होना बहुत इम्पोर्टेंट है सर मैं इस मामले में दो कॉन्ट्रडिक्शन एक मन में आता है कि अगर हमारे कल्चर बहुत डेवलप होते हैं हम एडवांस होते हैं सपोज दैट एक ऐसी फैमिली के एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हमारे यहाँ घर में लड़कियों को फ्री है 11-12 बजे रात तक में भी आ सकते हैं दैट इज़ मेरे पेरेंट्स कोई कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये वहीं कहीं 8 बजे अगर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं किसी गर्ल्स को एक फैमिली लगाते हैं तो
तो कहते हैं आपके यहाँ तो बहुत नैरो मेंटलिटी है, क्या मतलब हमारे यहाँ बहुत इंडिपेंडेंस है, हम आते हैं सेफ एंड सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर वो अपने सेंस में मानवीयता को एक खुद रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे के लिए गलत कर रहा है। ये कह रहा है कि हमारे यहाँ ठीक है क्योंकि हमारे मम्मी पापा सेफ एंड सिक्योर देखते हैं आज के मॉडर्नाइजेशन, तो यहाँ पर दोनों का संस्कृति दिख रहा है। पर मानवीयता में इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, जो हम किस सोसाइटी को फॉलो करें। इसमें जो अनुशासन का की जो भूमिका है वो मिक्सअप हो जाती है, तो फिर हमको पता नहीं है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर कहेंगे उसका पता होना चाहिए, तो ऑब्वियस है, ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे सेफ है। दूसरी चीज फिर अनुशासन, अनुशासन में दूसरी बहुत चीजें करवा सिखाता है, जब अनुशासित है तो बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, तो उसमें एक अनुशासन का भी अंग है। तो ब्लाइंडली ये कह देना कि आप संकुचित सोच के हैं और दूसरा एडवांस सोच का है, इसको हमें, तो ये जितने पैरामीटर हैं इन पे इनका मूल्यांकन करना। नहीं, आपस में डिस्कस करते बहुत बात है, तुम्हारे घर में इतना नेहरू है, हम लोग को देखो ये फ्री है, हमारे तो कुछ नहीं है। नेहरू का क्या कि मतलब आपके यहाँ 8 बजे रिस्ट्रिक्शन हो गया तो 7 बजे निकलने से, और ऐसे ये सुख का आधार भी नहीं है। तो ये नेहरो, किसी को नेहरो कह देना और एडवांस कह देना, इससे तो कुछ निकला नहीं, ठीक है। अगर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, जो नियम बनाए हैं इसका क्या पर्पज, ठीक है, और ये कहाँ न्यायपूर्ण है नहीं, ठीक है, उस स्तर पर भी जाना होगा, व्यवहारिक स्तर पर भी जाना होगा, दोनों चीज। मानवीयता का मतलब न्यायपूर्ण, व्यवहारिकता जो है उसको ध्यान में रखते हैं, बजे आना ये कार्य कोई भी होता है आदमी वो पॉजिटिव वे में प्रस्तुत करते हैं कि हम इस काम से अच्छे काम से, कोई नहीं बता मानसिकता है कि जो पश्चिम में हो रहा है वो एडवांस है, वो अच्छे करना है। हां, यही है, यही है, यही है। और ये मेट्रोपॉलिटन्स में दिखने को नहीं दिख रहा है, तो वो तो किसी भावना से ग्रस्त है, या तो हीन भावना से ग्रस्त है, वही है, या समझ ही नहीं पा रहे, कंफ्यूज्ड है, ठीक है। अरे यही ठीक होगा, वो लोग कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे, ठीक है, मान्यता आ गई, ये मान्यता के आधार पर काम, बिना जाने मान लिया। ठीक है, तो ये जो है लक्ष्य, मानव लक्ष्य इसको बोल देते हैं शॉर्ट, और इसमें जो ध्यान देने की बात है, प्रत्येक व्यक्ति में समाना है, कुछ कुछ ही व्यक्तियों में नहीं, जो सब समाधानित हो जाएंगे फिर आपको बताएंगे क्या करना, वो नहीं, प्रत्येक व्यक्ति में समाना। समाधान शब्द का क्या अर्थ है, समझ, और समझ के साथ उसको जीना, उसको जीने में क्या चाहिए, परिस्थितियों का मूल्यांकन, उसके अनुरूप विधि व्यवस्था। तो समाधान में समझ तो एक तरह से नियम हो गए, ठीक है, न्यूटन के लॉज है, वो नियम हो गए, उसको जब मैं किसी परिस्थितियों में अप्लाई करता हूँ और कर पाता हूँ तो यही समाधान है, नियम भी जानता है उसको अप्लाई भी कर सकता, समझ पूर्ण होने का अर्थ यही है। तो समाधान जो है ये दोनों चीज़ें, समृद्धि की बात हम कर ही चुके हैं, समाज में अभय, अभय मतलब भय रहे, ऐसा समाज जिसमें भय नहीं, भय किसका है आजकल मानव मनुष्य, पशु भय है या प्रकृति भय है या मानव दूसरे अन्य मानवों का अमानवीय व्यवहार, मानव के पशु भय तो भय जो है अमानवीयता का भय,
समाज में अभय कब होगा जब अमानवीयता समाप्त होगी। तो समाज में अभय होने का प्रमाण है कि हाँ चीजें अब ठीक होंगी, प्रकृति में सब। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो आयाम है, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, पांच एस्पेक्ट्स की हम बात करें, शिक्षा संस्कार, पांच आयाम हैं जिन पे बात करेंगे। न्याय सुरक्षा, तो शिक्षा संस्कार जो अगर इसको इस तरह देखें कि ये अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो शुरुआत कहाँ से की जाए, तो शुरुआत जो है वो एक से। नेचुरल ऑर्डर तो यही है, चीजें बिगड़ी नहीं हो तो कहीं भी शुरू करिए, कुछ भी करिए, पर अगर एक को ठीक कर दें, परिवार ठीक हो जाए, परिवार ठीक हो तो समाज ठीक हो जाए, और समाज तो प्रकृति सांची है। तो शिक्षा संस्कार जो है बीज वाला काम, बीज अगर सही है ज्ञान का बीज, तो उसका जो प्रस्फुटन है परिवार के रूप में, समाज के रूप में, वो ठीक हो। पांचों आयाम समाज के लिए है ना, समाज समाज से किस चीज के लिए, किसी व्यवस्था तो ये लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य चारों लक्ष्य की प्राप्ति, इन चारों लक्ष्य की प्राप्ति, चारों लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो पांच आयाम। क्योंकि समृद्धि कब होगी, उत्पादन कार्य ठीक से हो रहा है, विनिमय हो रहा है, स्वास्थ्य भी ठीक है, सब होगा, सब लोग बीमार हैं तो ये होगा जी, स्वास्थ्य भी ठीक चाहिए। तो इसमें इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये पांचों आयाम हैं जिससे ये चारों लक्ष्य प्राप्त हैं। शिक्षा संस्कार की एक प्राथमिकता जरूर है, क्योंकि ये ठीक होने से बाकी चीजें ठीक होगी बीज रूप से सारी। तो शिक्षा का विषय वस्तु क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, व्यवस्था को समझना, जो व्यवस्था
शिक्षा को समझने में सभी स्तर पर व्यवस्था को हमने चार स्तर की बात की है कि चारों स्तर पर व्यवस्था को समझना ठीक है स्वयं से लेके संस्कार का अर्थ है जीने की तैयारी या निष्ठा चारों स्तर पर जीने की तैयारी क्योंकि बहुत सारी चीजें देख कर ही सीख जब दूसरों को जीता जीते हुए देखते हैं तो बच्चा बहुत सारी चीज सीखता है ठीक है और शिक्षा में थ्योरी प्रैक्टिस को समझना उसको अप्लाई करना अप्लाई करते हैं तो निष्ठा बनती है कमिटमेंट बनता है कि हाँ ये सही है तो शिक्षा संस्कार दोनों चीजें साथ में चल सकती है शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होगा फिर शिक्षा संस्था फिर समाज समाज साथ ही चल रहा है कमी कहाँ हो गई है जो शिक्षा संस्था है परिवार के बाद में डिटरमिनेट हुआ शिक्षा संस्था जो है इसने अपना काम नहीं इसने अपना जो भूमिका है बहुत सीमित रूप से मानी इसने कहा कि मेरा काम है लोगों को कोर्स पढ़ाना नौकरी के लिए तैयार स्किल समझ के लिए काम करना है ये भूल गया स्किल डेवलप नहीं किया ठीक है बाद में तो स्किल डेवलपमेंट भी छोड़ दिया वो भी मुश्किल हो जाए अगर समझ के बिना वो करेंगे तो छात्र तो पूछेंगे क्यों क्यों कर रहे हैं शिक्षा संस्था चाहे स्कूल हो चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो तो शिक्षा संस्था अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी सर एक जनरेशन उस पे जो है सफर करेगी बिल्कुल
कई कई कर सकती है तीन चार करेगी उसके बाद जो है वो समझ में आएगा बिल्कुल जब जाके तब सफर तो अभी भी कर रही है सर वही सफर तो अभी भी कर रही है नहीं रहा कोर्स कर रहे हैं इसके बाद दो जनरेशन सही रास्ते कम से कम एक जनरेशन और नहीं तो एक से ज्यादा भी तो शिक्षा में जो ये परिवर्तन आया ये ऐसा नहीं लगता सर कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वो सब बात की बात है अरे हम तो तैयार नहीं है ना समझ नहीं है तो अगर आप देखें पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं तो जितने एजुकेशनल कमीशन और हमारे बहुत लर्नेड लोग रहे हैं जैसे राधा कृष्णन यहाँ के कुलपति रहे और उन्होंने जो लिखा है कि क्या हमें शिक्षा की अपेक्षा है क्या करना है ठीक है उसको पढ़िए आप कितनी बढ़िया रिपोर्ट और यूजीसी वाली चीज़ पे नहीं जाते उन्होंने यूजीसी का क्या अर्थ होगा ये लिखा है और क्या यूजीसी को नहीं करना चाहिए ये भी लिखा है वो सब चीज़ें आज यूजीसी कर रहे हैं कोठारी कमीशन पे गए उसने ये सब चीज़ें लिखी कि नैतिक शिक्षा मूल्य शिक्षा इसका बहुत आवश्यक है और ये कब लिखना है वो 60s में लिखना है 1969 ठीक है कोठारी कमीशन 60s में राधा कृष्णन कमीशन 40s में आज़ाद होने से पहले ठीक है और आज़ाद होने के बाद उनको कहा कि अब आप इसे इम्प्लीमेंट करिए बी द यूजीसी चेयरमैन फर्स्ट यूजीसी चेयरमैन ये इम्प्लीमेंट उनकी रिपोर्ट को आज भी सुप्रीम कोर्ट पढ़ता है उसके आधार पर उसने बहुत चीज़ें सरकार को रोक दिया करने से कि ये तो जो आपकी मूल रिपोर्ट है जिसके आधार पर आपने यूजीसी बनाई है उसमें साफ साफ लिखा है ये आप कैसे कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जगह रोक दिया है यूजीसी ठीक है तो इनकी वैल्यू हुई है ये कहना भी काफ़ी नहीं है कि कुछ नहीं रिपोर्ट के क्या मतलब है नहीं उसको रोका आज भी व्यवस्था में लोग हैं संस्थाएँ हैं जो उसको पढ़ती हैं और उसको रोकती हैं और कई हैं जो उसको नज़रअंदाज करती हैं या ओवररूल करती हैं दो तरह की फोर्स कोठारी कमीशन उसने बिल्कुल साफ साफ लिखा तो दिक्कत कहाँ आई फिर ये भी समझना हो अगर ये सब कमीशन कह रही हैं कि ये करना चाहिए पर इसको कैसे किया जाए ये क्लियर ठीक है तो उधर जो दूसरा धर्म निरपेक्षता वाला प्रश्न जो आया उसके बाद क्लैरिटी नहीं मिली कि अब इसे कैसे किया तो वो क्या हुआ तो लोगों ने कहा सर नैतिक मूल्य तो होने चाहिए हमने जो हमारे धर्मों में पहले से लिखा है वो पढ़ा देते हैं ठीक अब सब तरह से बच्चे आए हैं सब धर्मों के लोग हैं फिर आप कैसे करेंगे उसका जो मूल मानवीय तत्व है ना वो निकाल के आपको प्रस्तुत करना वो एक ही है वो अगर कर सकते हैं इसके बाद वो धर्म तो एक संस्कृति के रूप में है जो भिन्न भिन्न चीज़ों के आधार पर अलग अलग प्रैक्टिसेस हो सकते हैं तो वो आप बाद में कर सकते हैं पर आपका बेस ही मिसिंग हो गया और धर्म संप्रदाय ये सारी चीज़ें बीच में आ गई तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कुछ भी नहीं कर सकते ठीक है तो जब कुछ नहीं कर पाए 50 साल तक उसका फल देखेंगे और ये खाली भारत में नहीं देखे पूरे देश विश्व में हो गए बाहर तो इतना शायद पहले से नहीं पहचाना गया शिक्षा का क्या रोल है ठीक है भारत में तो बहुत पहले से इसको पहचाना है कि शिक्षा का क्या रोल है शिक्षा के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए जब अंग्रेज यहाँ पर आ गए थे से पहले की बात करते के समय में तो देखिए टीपू सुल्तान जो मेजर बैटल है इसके बाद साउथ उनके अंडर आ गए 1757 बंगाल उनके बड़ा अंडर में आ गए और रिचेस्ट जो स्टेट कह सकते हैं इलाका वो उनके अंडर में आ गए क्लासिक क्लासिक
तो ये क्लियर हो गया कि ये इनके अंदर में है और इनको हटा नहीं पाए। टीपू सुल्तान वो जो है 1790 की बात, उससे 30 साल बाद 35 साल बाद वो इलाका पूरा उनके अंदर में आया। तब उन्होंने कहा कि अरे वी आर नाउ द मास्टर ऑफ दिस लैंड एंड वी डोंट नो व्हाट इट इज। तो उन्होंने सर्वेक्षण शुरू करे तरह तरह और उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे किया था जिसका मैंने शायद नहीं बताया। अच्छा अच्छा, तो आज जो मद्रास चेन्नई है इसके आसपास का जो इलाका है चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट आज, तो उन्होंने एक सर्वे वहाँ कराया। वो सर्वे तो अभी मिला है सिर्फ 20 वर्ष पहले। मैनुस्क्रिप्ट सोच के लोगों ने उसको उसकी बात बाद में करते हैं। शिक्षा के ऊपर उन्होंने जो एक सर्वे किया था और ये उन्होंने कहा सर्वे पूरे भारत में होना चाहिए और सबसे पहले इसका सर्वे जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ जहाँ वो जीत गए। ठीक, इसके बाद में बंगाल में हुआ, इसके बाद में उन्होंने दूसरे इलाकों में किया, पंजाब में हुआ है। उसका जो डेटा है वो पूरा रखा हुआ है आर्काइव, भारत की आर्काइव्स हैं, उसका जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया हाउस लाइब्रेरी के नाम से है लंदन में, सारे कागज़ वहाँ रखे हैं। वहाँ जो एक कलेक्टर भी जो लिख के भेजता था चिट्ठी, वो चिट्ठी भी वहाँ रखी है। ठीक है, वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स उसको आप अच्छा। तो वहाँ ये जो तो एक व्यक्ति हुए हैं धर्मपाल, तो धर्मपाल जी गांधी जी के समय उन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया, बाद में वो उसके भी बने हैं डायरेक्टर जनरल के पार्ट पीपल सेक्शन और रूरल। तो वो जो है उनकी ब्रिटिश महिला से शादी हुई, तो वो लंदन में पहले इन्होंने अपना यहीं बनाया पर वो दिक्कत आई कुछ रह नहीं पाए, तो फिर लंदन में। तो अब लंदन में है, देश आज़ाद हो चुका है। ठीक है, ये वो करीब की बात है 70 या 80 के दशक की बात, काफ़ी लेट। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, तो ये बात है 1931 की कि जब गांधी जी इंग्लैंड में गए थे गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस, उस समय जो है लोगों ने कहा कि भाई हमने जो है इंडिया को सिविलाइज किया, हम इंडिया को एजुकेट किया है। तो गांधी जी ने कहा कि नो, यू हैव डिस्ट्रॉयड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, और लोगों ने कहा प्रूफ, तो बिना, तो उन्होंने कहा मैं इसके आधार पे बोल रहा हूँ जो मैंने अपनी माँ और दादी से सुना और जो मेरी भारत के बारे में मानना है और धारणा है कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। पर वो चूँकि अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर्स वहाँ पहुँचे, उस शिक्षा व्यवस्था को समझ नहीं पाए, तो उन्होंने क्या कहा, इट वॉज ए ब्यूटिफुल ट्री, दे लुक्ड एट द ट्री एंड to examine the roots, they scratched and removed the soil and the beautiful tree perished because the roots were no longer in the soil. They removed the soil and the tree perished. The beautiful tree perished. ये उन्होंने ये स्टैंड लिया। एक ब्रिटिश ऑफिसर उसने कहा कि ये तो ठीक नहीं, गांधी जी को ये 2 वर्ष बाद एक चिट्ठी मिली विद ए बिग मैनुस्क्रिप्ट थिक लेटर, उसमें लिखा कि ये जो आपने स्टेटमेंट दिया था ये गलत है और ये मैं इसका प्रूफ भेज रहा हूँ कि आपका गलत है, अब आप जो है सबके सामने माफी मांगे कि आपने झूठ बोल दिया, गांधी सच बोल दिया। तो उन्होंने गांधी जी ने उसको पढ़ा,
फिर अंग्रेज फिर वहाँ से रिटायर हो गया जी, वो भी फ्री हो गया। अब वो आया और गांधी जी से मिला, बोला कि मैंने आपको चिट्ठी लिखी आप जो है। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं एक उत्तर छापूं अपने अखबार में कि मैंने ऐसा ऐसा कहा था और आपने ऐसा ऐसा प्रूफ दिया है, और हालांकि मैं उस प्रूफ से एग्री नहीं करता। तो इतना मैंने सोचा कि मैं लिखूंगा, फिर मैंने कहा उससे आप जो है संतुष्ट नहीं होंगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा उस उतना लिख के छापने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। वो बात फिर महीने महीने धर्मपाल जी ने कहा कि मैं इस प्रश्न का, अब अगर गांधी जी ने कहा है तो गांधी जी तो कहते हैं मैं स्कॉलर नहीं हूँ ना मैं फिलोसफर हूँ, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, और जो चीज़ मुझे ठीक लगती है मैं बोलता हूँ, अगर मैं गलती महसूस करता हूँ तो मैं उसको ठीक कर लेता हूँ, बाद में गलती मान लेता हूँ, बट आई एम नॉट अ स्कॉलर, यू पीपल आर अ स्कॉलर, यही वो बोलते थे। तो धर्मपाल जी ने कहा कि जो 1931 का जो स्टेटमेंट था जिसमें ये हुआ द ब्यूटीफुल ट्री, तो और वो लंदन में थे, उनका मैं इस पर रिसर्च करूँगा। उनकी बेटी ये बताती है वो सुबह चले जाते थे शाम को घर आते, और उनकी बेटी से जब लोग पूछते थे उसके दूसरे दोस्त कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, वो लाइब्रेरी में रहते हैं, वो ये जवाब देती है क्योंकि उनका यही काम है। उन्होंने पुराने तो उनके हाथ को सर्वे पड़ा जो सर्वे मद्रास प्रेसिडेंसी का हुआ, ठीक है। उस सर्वे में जो फिर उन्होंने सर्वे से डेटा निकाला और किताब वो छपी गई द ब्यूटीफुल ट्री, उस किताब का नाम। तो धर्मपाल जी ने फिर सीरीज ऑफ बुक्स लिखी, तो ये जो किताब है द ब्यूटीफुल ट्री, इसमें उन्होंने सब डेटा दिया है कि भारत में क्या शिक्षा व्यवस्था है, और वो डेटा किस पे आधारित है जो अंग्रेजों ने कलेक्ट किया। तो कितनी पाठशालाएं चल रही थी पूरे उस रीजन में, कितने उसमें सिंगल टीचर स्कूल्स थे, जो पढ़ने आ रहे थे उसमें कितनी महिलाएं थी, कितने लड़के थे, लड़कियां थी कितने लड़के थे, 30% लड़कियां, उसमें कितने ब्राह्मण थे कितने वैश्य थे कितने शूद्र थे, ठीक, सब कम्युनिटीज के लोग आए, और ये डेटा है 1820 का, ठीक है, उस समय ये सर्वे हुआ मद्रास में। इसके बाद में डेटा वो भी अवेलेबल है जो कि बंगाल में हुआ, इसके बाद आंध्र प्रदेश निजाम का जो अतिरिक्त इलाका था वहाँ पे हुआ। मद्रास प्रेसिडेंसी जिसको हम बोलते हैं उसमें मद्रास तमिलनाडु का पार्ट था, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का पार्ट था जो निजाम के अंदर में नहीं, तो ये काफी बड़ा इलाका, और फिर पंजाब का अंत में हुआ, पंजाब का सर्वे हुआ है 1860 के उसके आसपास, ये 1836 तक तो खत्म हो गया, ये वाला सर्वे पंजाब वाला कुछ देर से हुआ, तो मतलब मेजॉरिटी 1836 तक हो गया। हाँ वो शुरू बाकी हो गए थे, बंगाल का हो गया था, ये सब उससे जो तस्वीर निकल के आ रही कि एक पूरा एजुकेशनल सिस्टम था। फिर वो कंपेयर करते हैं अंग्रेज डॉक्यूमेंट खुद जो जिन्होंने सर्वे किया कि मद्रास प्रेसिडेंसी में शायद 50,00,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे इंग्लैंड में 10,00,000 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट को खुद करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना पब्लिक स्कूल सिस्टम सेटअप किया इंग्लैंड में, पहले नहीं था, खत्म करने के लिए सिस्टम को खत्म करने के लिए नहीं, तो ये अब एक प्रश्न और उठता है कि उन स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता हो, कंटेंट क्या रहा हो, क्या हो, क्या रहा हो, ठीक है। तो इसमें लिखित में तो इस प्रकार से नहीं है, पर वो एक पिक्चर जो तस्वीर निकल के आती है उसको हम पहचान सकते हैं। उसमें जो शिक्षा थी कि हम अच्छा आदमी कैसे बनते, हमारे क्या नैतिक कर्तव्य, हमें क्या करना है, स्किल कहाँ सीखता था, वो घर में सीखता था, कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक, पूरी दुनिया को सप्लाई करती थी कॉटेज, उस समय जो भारत का प्रोडक्शन मानते हैं पूरी दुनिया का 25% प्रोडक्शन भारत में,
और चीन में भी मिलेगा। तो 50% प्रोडक्शन दो देशों में था, रेस्ट ऑफ पूरे दुनिया का जितना प्रोडक्शन है वो बाकी 50% पार इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इस पे धर्मपाल जी ने भी काम किया, उस पे किताब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। फिर ओरिजिन ऑफ काउ पर वो किताबें जो हमें पढ़ने होंगे, क्योंकि सारा उन्होंने ये इसी तरह फैक्ट्स पे और डेटा उन्होंने क्या लिया, उन्होंने कहा कि मैं डेटा ब्रिटिश डेटा उसको यूज करूँ, पूरा उसी डेटा के आधार पर सब लिखा है। तो शिक्षा जो है, शिक्षा में एक शिफ्ट आया है, जो स्किल था वो आदमी घर पे सीखता था और जो समझ था वो स्कूल में सीखता, विशेष रूप से स्कूल में आपको पाठशाला में गुरुकुल में किसी पे काम होता है, ठीक है। उच्च शिक्षा में और भी चीजें होती हैं, जो व्याकरण सीख रहा है, साहित्य पढ़ रहा है, लेकिन जो स्किल का जो काम है वो अधिकांशतः वो अपने परिवार में सीखते हैं, गांव में सीखते हैं, परिवार में है तो गांव में जहाँ भी सीखते हैं। अभी शिफ्ट क्या हुआ, तो अंग्रेज तो ये शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो गई, इसको टूटना शुरू हुआ और मैकॉले वाली शिक्षा आ गई। उस शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उन्होंने साफ लिखा है उसका उद्देश्य है, चलिए कम से कम मान लीजिए क्लर्क बनाना, आदेश बजा लेने वाला, गुड वर्कर, गुड वर्कर। दूसरा उद्देश्य वो ज्यादा डीपर है, ही इज अ कोकोनट, बाहर से भूरा है अंदर से सफेद, व्हाइट मैन, व्हाइट मैन इनसाइड ब्राउन मैन जो अंदर से हमारे जैसा सोचे, ब्रिटिश राज्य के हित में सोचे, मतलब वफादार हो, उसका डीपर क्लरिकल जो काम करना है, इंटरनल डिवाइडर हो, नहीं डिवाइड का नहीं, नहीं इंटरनल उसका आगे का पहलू है, यहाँ पर ये नहीं है डिवाइड आगे, जो जो हमारे जैसा सोचेगा हमारे राज्य का सफर, तो वो जो पर्पस बदल गया और धीरे धीरे वही शिक्षा था। तो उसी शिक्षा को जो मालवीय जी का जो प्रयास है, उस समय का सोचिए क्या हुआ है, ठीक है, उस समय ये शिक्षा जो है फैल गई और इसको उन्होंने लिंक किया है जॉब से, ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और अगर आप सरकारी नौकरी पा रहे हैं 10 गुना बेहतर है, ठीक है। अभी हम कितना मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है महीने का, अगर सरकारी नौकरी में जाएंगे 10 लाख में, इतना बड़ा फर्क है। और अंग्रेज अगर उसमें आ रहा है उसके उसको 10 गुना उसका मिल रहा है, उसको 100 मिलेगा, 1 करोड़ रुपया होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस, ये रेशियो है। तो ये पूरा जो सोच में बदलाव आया है लोगों की, तो ये लोग इससे नौकरी पाओ, तो ये परिवर्तन जो है ये धीरे धीरे आया है। तो ये किससे आया है, प्रलोभन से आया, ऐसे नहीं है। शासन व्यवस्था कायम करने के बाद फिर बाद में प्रलोभन के आधार पर काम हुआ और कहीं पर वी आर गिवन। तो समाधान जो है, अगर आदमी समाधानित होगा तो प्रलोभन में थोड़ी सारी शक्ति की आवश्यकता है, उसे पता होगी। सर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मालवीय जी भी थे, सेकंड हां नहीं 31 में, अच्छा मालवीय जी ने इसका जवाब दिया। देखिए 1200 समथिंग में नालंदा जला दिया गया और बिफोर क्राइस्ट के जस्ट थोड़े दिन बाद तक्षशिला खत्म हो गया था, वो तो पुरानी बात है। हाँ, फिर इसके बाद फिर मुसलमानों ने शुरू किया। अंग्रेजों का क्या कहना था, भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है हमने स्थापित स्थापित ही किया कि उन्होंने कलकत्ता मद्रास बॉम्बे इलाहाबाद ये सब पुरानी यूनिवर्सिटी थी, इस ये सब ये यूनिवर्सिटीज का एग्जामिनिंग सेंटर्स थे,
वहाँ एजुकेशन तो केवल एग्जामिनेशन बॉडीज थी। पहला विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय जी ने स्थापित किया, जहाँ की नालंदा के तर्ज पर 10,000 लड़कों के पढ़ने पढ़ाने के लोगों के रहने की व्यवस्था की। तो नई चीज होगी, ये नई चीज। तो अंग्रेज क्या कह रहे हैं, अंग्रेज ये बोल रहे हैं कि आपके पास में रही होगी नहीं होगी। ये जो है, जब हम भारत में आए हैं यहाँ पर तो अनसिविलाइज लोग थे, ठीक है, यहाँ कोई शिक्षित लोग नहीं थे। वो तो हमने शिक्षा व्यवस्था स्थापित की, अंग्रेजों का यही तो कहना। तो इसको जो है, हो सकता है मालवीय जी से पूछा गया होता तो वो भी ये जवाब देते, मैं इस पर नहीं कह रहा हूँ। पर चूंकि गांधी जी से पूछा गया और ये कॉन्ट्रोवर्सी बन गया, ये अखबारों में बहुत, यूरोप में ये बड़ा इशू बन गया। तो था ही, क्योंकि गांधी जी भी विदेशी पढ़ने गए। नहीं तो यूरोप वाले, यूरोप में ये मान, ये देखिए ये चीज का, इसका अर्थ क्या है, कॉमन आदमी वहाँ पे ये मानने लग गया था, कॉमन मतलब प्रबुद्ध जन मान के ये सब मानने लग गए थे कि दिस वॉज अ डार्क कॉन्टिनेंट, अंधेर, यहाँ अंधेरा था, हम रोशनी लेके आए। ये अंग्रेजों का क्लेम था, ये गवर्नमेंट से इंप्रूव हुई थी। आज भी लोग कहते हैं सर, आज के लोग कहते हैं। इसीलिए उस समय 1931 में जब ये स्टेटमेंट आया है, दिस बिकेम ए पब्लिक कंट्रोवर्शियल इशू। यस, वहां के हेडलाइंस में ये चीजें चली है बहुत दिनों तक कि गांधी जी ऐसा कह रहे हैं, और गांधी जी का नाम हो गया था। गांधी जी ऐसा कह रहे हैं कि हमारा ब्यूटीफुल ट्री आपने गिरा दिया, ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा आपने दुर्भावना से गिराया, आपने ना समझी से गिरा दिया, ठीक है। तो अब ये मत कहिए कि हम पहले यहाँ ट्री नहीं था, ठीक है, यहाँ ट्री था, वो ट्री गिर गया, जो भी रीजन है, इतनी बात। तो धर्मपाल जी ने कहा कि मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है, और उन्होंने एक किताब लिखी और फिर सीरीज ऑफ कितना काम किया है उसके। तो शिक्षा का जो शिफ्ट आया, तो जैसे कमर्शलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो ये शिक्षा में शिफ्ट है। और शिक्षा इसी रूप में शायद सब जगह देखी जाती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ भारत ही ऐसा था, बाकी देशों में ऐसा ही रहा होगा, मेरे पास कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन ही है। लेकिन वहाँ व्यापीकरण नहीं है, फैलाव नहीं है। तब वो खुद लिख रहे हैं कि पूरे इंग्लैंड में 10,000 बच्चे और मद्रास प्रेसिडेंसी में 50,000 बच्चे जो पढ़ रहे। वो भी तो स्थिति है जबकि एक डार्क एज बीत चुका था इंडिया में, करीब हजारों साल का। चलिए वो अभी पता नहीं, पर वो डार्कनेस अपनी वजह से ही आती है। लेकिन एक बात ये थी कि मालवीय जी का जो कुछ भी इस विषय में था उस समय नहीं था, लेकिन इस विषय में जो कुछ उनका व्यूज थे वो उनके इंडस्ट्रियल कमीशन के नोट ऑफ रिसेंट में बहुत डिटेल में मिले। और वो अभी हमारा जो ये हुआ है एलुमनाई भी उसके सॉरिनियर में बुकलेट अलग से रखी हुई है नोट ऑफ रिसेंट वाली, सबको नहीं मिला। नहीं वो है हर जगह, मैंने कहा कि वो सबको मिला है, वो नेट पर अवेलेबल है आसानी से। नेट पर नहीं, हम लोग नेट पर पढ़ने में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, बट हम लोग के पास मेल में है, हम आप सभी लोगों को फॉरवर्ड कर, हां फॉरवर्ड कर दीजिए, तो आपके पास जो बोल सकते हैं सर, उसका स्कैन कॉपी पीडीएफ वर्जन नहीं, स्कैन के बाद पीडीएफ बनाना है, नहीं हम लोगों ने फिर से टाइप टाइप, अच्छा यही कह रहा था, वरना उसको टाइप करने वाला काम करना चाहिए। हम लोग क्या है कि इसी कॉन्फ्रेंस में थे, तो हम लोगों ने अपने सोनिया को छापा बहुत अच्छा, वो कॉपी है पीडीएफ बनाने के, पीडीएफ जो स्कैन से बस बनता है वो साफ नहीं आता। लेकिन देखिए सर, जो बात बाद में अभी भी देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था वही है जो वाली पूरे विश्व में है। सेकंडली अभी भी लोग दुर्भाग्य की क्या बात है, भारत की बात हम मत करो, है ना, तो हम पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल, ठीक, पूरे विश्व में इसी विचार से शिक्षा फैली, ठीक है। इसका अमेरिका उसका उदाहरण है, जब उस टाइम अमेरिका में जो लॉज पास हुए हैं जो शिक्षा को किस रूप से देखा है, वो यूरोप वाले बड़े नाराज होते थे, अमेरिका वाले इसको शिक्षा बोल रहे हैं, ये कोई शिक्षा है, ठीक है, पर वो जो शिक्षा है वो फिर सब जगह फैली।
तो उसमें ये शिक्षा का जो मूल व्यवस्था को समझना समझना और सीखना में अंतर, सीखना आप स्किल सीखते हैं, ठीक है, बंदर जो है साइकिल चलाना सीखता है सर्कस में, समझना नहीं सीखता है, जानवर को आप समझा नहीं सकते हो, सिखा सकते हो, शेर जो है जलते हुए उसमें से कूद जाता है वो सिखा सकते हो, समझा सकते हो क्या, शेर समझ सकता है? तो जानवर को आप सिखा सकते हो, समझा नहीं सकते हो। और एक तरह से जब हम स्किल पे आ गए तो हम भी सिखा ही रहे, ठीक है, समझा नहीं पा रहे, समझा नहीं रहे, समझ जो है ये तो मनुष्य के, और ये शिक्षा के माध्यम